अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल सुहाना का सफ़र। आज मैं आपसे होममेड हरी जड़ी बूटियों वाला तेल शेयर करने वाली हूँ, जो कि एक आदिवासी हेयर ऑयल है। तो मैं इसके बारे में आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे सबसे पहले हम इंग्रेडिएंट्स की बात कर ले। यहाँ पे हमें कोकोनट ऑयल चाहिए। ये कोई ब्रांड का नहीं है, ये फैक्ट्री से लाया गया है। ये आधा लीटर है कैस्टर ऑयल एज ऑलवेज, जो कि हर तेल में ही मैं डालती हूँ। यहाँ पे हमें नीम की लीव्स चाहिए, ताज़े नीम की लीव्स भर भर के हमें इसमें नीम लीव्स डालनी हैं। ये तेल बहुत ही कड़वा लगता है बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा नीम डाला जाता है। अब हमें यहाँ पे करी लीव्स चाहिए। अच्छा, ये भी अच्छी क्वांटिटी में होनी चाहिए। यहाँ पे हमने दो आधा लीटर ऑयल के हिसाब से हमने दो एलोवेरा की लीव्स ली है। यहाँ पे हमें चाहिए बेरी के पत्ते, पेड़ जो होते हैं ना, उसके पत्ते चाहिए हमें एक कटोरी के बराबर, वो ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हमने अच्छे खासे क्वांटिटी में फिंगराज लीव्स ली है, जो कि आपने देखा है मेरे टेरेस पे ही मैं इस अपने मतलब पॉट में उगाती हूँ, जिसमें कुछ इस तरीके के फ्लावर्स उगते हैं। मैंने इसके पहले भी बताया है, इसके फ्लावर्स भी बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हम इसमें सारा कुछ डालेंगे, फ्लावर लीव्स सब कुछ डालेंगे। और यहाँ पे हमें चाहिए मेथी पाउडर। मेथी को मैंने पाउडर कर लिया है, एक्चुअली मैं इसे कंज्यूम भी करती हूँ तो इसलिए पाउडर है इस, और कलौंजी पाउडर नहीं है। आप चाहे तो पाउडर करके भी डाल सकते हैं, पाउडर करके ही डालिएगा, ज़्यादा बेस्ट होगा। यहाँ पे हमें इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पे हम इसका पूरे का पेस्ट बना लेंगे। हमें इसका पूरे का पेस्ट बना लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बनाइएगा। यहाँ पे हमें लोहे की कढ़ाई ली है, जिसे हम सबसे पहले तो हाई फ्लेम में रख के अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर हम जब इसमें तेल डालेंगे तो इसका फ्लेम बिल्कुल आपको लो कर देना है, बिल्कुल लो फ्लेम में। भले ही कितनी देरी क्यों ना लगे, बट आपको पूरा तेल लो फ्लेम में ही बनाना रहता है। वैसे ही हम इसे हीट करके इसकी थोड़ी बहुत जो गुडनेस रहती है वो ख़त्म कर देते हैं, और अगर इसे हाई हीट में बनाएंगे तो इसकी गुडनेस और ख़त्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं पूरा आधा लीटर तेल इसमें पोर कर दूंगी। पहले तेल को आपको थोड़ा हीट होने देना है, फिर आप इसमें जो वो पेस्ट बना है सारी चीज़ों का वो इसमें डालना है। मैं इसलिए आपको नीम भर भर के डालने बोल रही हूँ। सबसे पहले तो नीम हमारे बालों के लिए अति उत्तम चीज़ है। अगर आप इसका पानी उबाल के भी सर धोएंगे, इसका जैसे रीठा शिका का यूज़ किया जाता है उसके पानी का सर के लिए, वैसे इसका भी यूज़ करेंगे तो आपके बालों के लिए इतना बेनिफिशियल है। स्पेशली डैंड्रफ वाले लोगों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है, इससे अच्छा इलाज मैं आपको और कोई नहीं बता सकती, इसके नीम के पानी से सर धोने से अच्छा। तो यहाँ पे हमने ये पोर करके अच्छे से इसे मिक्स करना है धीरे धीरे। तेल आपके बॉडी में छिटक के नहीं आना चाहिए। फिलहाल तो ये बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है, बट जब ये धीरे धीरे पकने लगेगा तो ये अच्छा डार्क ग्रीन हो जाएगा। हरी जड़ी बूटियों वाला तेल इसका नाम इसीलिए रखा गया है क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रीन लीव्स डाली जाती है, हर चीज़ ग्रीन डाले जाते हैं। इसमें मैंने जो मेथी और कलौंजी है वो अपनी तरफ से ऐड किया है, अदरवाइज़ इसमें वो सब नहीं डाला हुआ था जब मैंने ये तेल एक साल पहले लिया था। ये आदिवासी तेल है, बहुत बहुत अभी ट्रेंड में चल रहा था बीच में, तब मैंने ये परचेस किया था। मुझे बहुत अच्छी खासी रिज़ल्ट मिली थी इससे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं घर पर ही बना लूँ। इसको आपको स्टर करते रहना है। पहले जब आप देखेंगे इसको, आप पहचानेंगे कैसे कि ये बन चुका है। जब आप पहले डालेंगे तो जो पेस्ट है वो अपने आप एक दूसरे के साथ चिपके हुए रहेंगे, बट जब धीरे धीरे आप जब इसको देखेंगे, जब ये पकने लगेगा तो जो पेस्ट है ना वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, मतलब पूरे तेल में बिल्कुल अलग हो जाएगा पूरा पेस्ट, बिल्कुल ग्रीन कलर में ये आपका बनेगा। और जब ये बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि मैं इसे लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, तो ये बिल्कुल डार्क ग्रीन कलर का बन जाएगा, एकदम जो बॉटल ग्रीन कहते हैं वो। अदरवाइज़ अगर आप ऐसे ही कढ़ाई में बनाओगे तो बिल्कुल ग्रीन, कोई भी देख के बोल देगा कि ये ग्रीन तेल है। तो ये देखिए, सारा पेस्ट पूरा पहले कैसे चिपका हुआ था एक दूसरे में, और अब ये पूरी तरीके से अलग हो चुका है। तो अब मुझे पता चल गया है कि अब ये बन चुका है। तो हम इसे अब इस यूं ही छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। फिर हमें एक कांच की बरनी चाहिए। हमेशा आप कोई भी तेल कांच की बरनी में ही रखिएगा। उसमें मैंने सब कुछ डाल दिया है, कलौंजी मेथी। एक दो चम्मच आप ले सकते हैं, मतलब जैसे दो चम्मच आपने कलौंजी ले ली, दो चम्मच आपने मेथी पाउडर ले लिया। ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके बालों के लिए अच्छा ही होने वाला है।
और यहाँ पे अब हम इसे चाय छन्नी में लेके, अब हम इसे बहुत लॉन्ग प्रोसेस रहता है इसको छानना, आपको पेशेंस रख के इसे छानना पड़ेगा। और यहाँ पे हम इस तरीके से इसे छान लेंगे। अब मैं इसे पूरा छानने के बाद आपको दिखाती हूँ। तो गाइज, जैसे कि सबसे बेस्ट टाइमिंग होता है इसका वीक में, आप दो बार इसे बालों में लगाएं, रात को लगा के चोटी डाल के सो जाए, और दिन में वॉश कर ले, हेयर वॉश कर ले। यहाँ पे मैं आपको इसका कलर दिखाती हूँ, इसका कलर आपको किस तरीके का दिखाई देगा। बिल्कुल डार्क बॉटल ग्रीन कलर का तेल बना है, बिकॉज मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया, अदरवाइज ये ग्रीन कलर में बिल्कुल बनता है। बहुत इफ़ेक्टिव हेयर ऑयल है, बहुत ज़्यादा। आपकी इतनी ज़बरदस्त हेयर ऑयलिंग होने वाली है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, एक पॉइंट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपको इसे कम से कम एक वीक तक धूप में रखना है, बिकॉज हमने इसमें मेथी और कलौंजी जो डाली है वो हमें धूप में पकाना होता है, इसलिए मैंने उसे तेल में नहीं डाला जब हम पका रहे थे। यहाँ पे मैं कैस्टर ऑयल डाल रही हूँ कम से कम एक कप के बराबर, बिकॉज मेरा तेल की क्वांटिटी भी ज़्यादा है। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको थिक ऑयल पसंद नहीं है, आपके बाल झड़ते हैं, तो आप कम कैस्टर ऑयल डालिए। तो मैं इसके कुछ पॉइंट्स आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें इसे तेल, इस तेल को धूप में रखना है कम से कम एक वीक तक। आप उसमें बीच बीच में आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा लेके, बट एक वीक तक धूप इसे दिखानी ही पड़ती है। अगर आप इसमें नहीं भी डाले तो, जो मैंने वहाँ पे देखा था बॉटल में लिखा हुआ जब मैंने जड़ी बूटी वाला तेल लिया था, कि इसे धूप में रखना अच्छी बात होती है, और क्योंकि इसमें विटामिन डी भी आपको मिल जाता है अपने बालों के लिए। तो आपको इसे वीक में दो बार लगाना है, और कम से कम आपको इसका असर दिखाई देगा एक से डेढ़ महीने के बाद। बिल्कुल ये कोई मिरेकल ऑयल नहीं है, आपको डेढ़ से दो महीने बाद आपको आपके हेयर रिग्रोथ दिखाई देंगी, कि आपकी हेयर की ग्रोथ हो रही है, छोटे छोटे से बाल आपको दिखाई देंगे अपने स्कैल्प में, के बाल काले तो डेफिनेटली हो जाएंगे, मतलब आना स्टार्ट होंगे, आपके बाल स्ट्रांग बनेंगे, आपके बाल टूटना कम होंगे। जिनके सिर में जुओ की प्रॉब्लम होती है, स्पेशली स्कूल गोइंग बच्चों के, वो दूर होंगी। गाइज, ये तेल बहुत ही कड़वा होने वाला है, तो आप बालों में तेल लगाने के बाद हैंड वॉश करना बिल्कुल ना भूले। और ये तेल कड़वा होने के कारण ही आपके डैंड्रफ दूर होंगे, आपके बालों से जुए दूर होंगी, लाइज जो कहते हैं उन्हें, वो दूर होंगे। इसमें मेथी और कलौंजी डालने का मेरा मकसद यही है कि आपके बालों को रिग्रोथ मिलेंगी। सिर्फ मेथी और कलौंजी वाला भी हेयर ऑयल बनता है, जो कि बहुत अच्छा होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी में डाल दूँ और इसके गुडनेस और ज़्यादा बढ़ा दूँ। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करके देखिएगा। सारे इंग्रेडिएंट्स आप इसे इसमें रॉ डालने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आपको भृंगराज ना मिले, तो आप उस पॉइंट पे भृंगराज पाउडर ऐड कर सकते हैं। आपको उसे लास्ट में ऐड करना है, जब आप इसे धूप में पकने के लिए रखेंगे तब आपको पाउडर यूज़ करना है, अदरवाइज़ अगर आपको लिव्स मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस ऑयल को ज़रूर बनाएं और अपने हेयर की रिग्रोथ करें। और आगे की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।